आइए क्लच और ब्रेक के बारे में बात करते हैं। क्लच पैडल का प्रयोग गियर चेंज करने के टाइम पे किया जाता है, और गियर चेंज करने के बाद क्लच पैडल को छोड़िए और फुट रेस्ट पे अपना पैर रख दीजिए, वरना क्लच घिस जाएगा। हर 50 घंटे के बाद क्लच पैडल की ग्रीसिंग जरूर करें। पैडल की फ्री प्ले 1 इंच होनी चाहिए। यदि प्ले कम हो तो इस तरह इसको एडजस्ट करें। नीचे लगी टाई रॉड का लॉक नट ढीला करें और रॉड की लंबाई जरूरत के अनुसार घटाएं या बढ़ाएं। साथ साथ पैडल की फ्री लॉक प्ले चेक करें। 1 इंच की फ्री प्ले होने पर लॉक नट द्वारा टाई रॉड को लॉक कर दें। ट्रैक्टर में 2 ब्रेक पैडल हैं, जिसे कम से कम जगह पर भी मोड़ा जा सकता है। ब्रेक जाम न हो इसके लिए 1 से 1.5 इंच का फ्री प्ले होना जरूरी है। इसके कम होने पर ब्रेक रगड़ खाएगा और इसके ज्यादा होने पर ब्रेक कम लगेगा। इसे ऐसे एडजस्ट करते हैं। नीचे लगे ब्रेक एक्चुएटर फोक का लॉक नट ढीला करें और एडजस्टिंग नट द्वारा ब्रेक पैडल की प्ले एडजस्ट करें। फ्री प्ले सेट होने पर लॉक नट द्वारा एडजस्टिंग नट को लॉक कर दें। हर 50 घंटे के अंतराल पर ग्रीस भी जरूर करें।